अमेरिका में काम बंदी खत्म करने और आर्थिक संकट टालने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों के बीच समझौता। अमेरिकी सीनेट ने दी कर्ज सीमा बढ़ाने के इस समझौते को मंजूरी, प्रतिनिधि सभा में पास होना अभी बाकी। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा, कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सरकार कर रही है पूरा सहयोग। इस मामले में सीबीआई की एफआईआर पर पूर्व कोयला सचिव बीसी पारेख ने दिया विवादास्पद बयान, भाजपा ने की जांच की मांग। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की ओर से लगातार 9वें दिन जारी रहा संघर्ष विराम का उल्लंघन। मेंढर, पुंछ, कृष्णा घाटी और भीमबर में पाक सेना ने की दिन भर गोलीबारी। गोलीबारी में शहीद लांस नायक फिरोज खान को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और धन बांटने को लेकर मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 18 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। शारदा चिटफंड घोटाला मामले में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद कृणाल घोष को किया तलब। कृणाल घोष रह चुके हैं शारदा मीडिया ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ओडिशा में तूफान के बाद उत्पन्न बाढ़ की स्थिति में आया सुधार। करीब 600 गांवों में हालात अब भी खराब। राज्य में बिजली की आपूर्ति बहाल करने में सहयोग के लिए केंद्र 300 लोगों को करेगा तैनात। लालकृष्ण आडवाणी ने पहली बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाए जाने पर जताई सहमति। मोदी के साथ साझा कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा, मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको होगी बेहद खुशी। यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में बंद आसाराम के बेटे नारायण साई की तलाश में दिल्ली में सूरत पुलिस की छापेमारी। आसाराम के अलावा बेटे नारायण साई पर भी सूरत की दो बहनों ने लगाया है यौन उत्पीड़न का आरोप। महंगी होगी राजधानी शताब्दी और दुरंतो जैसी डिलक्स गाड़ियों में खान पान की दरें, जिससे इन गाड़ियों के टिकट 3-5% तक पड़ेगा महंगा। पहले से बुकिंग करा चुके यात्रियों को ट्रेन में चुकाना होगा बढ़ा हुआ शुल्क। देश के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थानों में गिने जाने वाले भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM में प्रवेश के आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित कैट परीक्षा की हुई शुरुआत। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए इस बार 1,94,000 से अधिक छात्रों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमलावर ने प्रांतीय मंत्री के घर में किया विस्फोट, मंत्री समेत 8 लोगों की मौत। हमले के वक्त वहां 500 लोग थे मौजूद। लाओस में एक यात्री विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, विमान चालक दल सहित सभी 49 लोगों की मौत। वियतनामते से पाक से जा रहे इस विमान में करीब 11 देशों के यात्री थे सवार। जापान में आए भीषण तूफान के कारण भूस्खलन में कम से कम 17 लोगों की मौत। सैकड़ों उड़ानें रद्द, टोक्यो में सुबह के व्यस्ततम घंटों के दौरान सार्वजनिक यातायात पड़ा शिथिल। फिलीपींस में 7.1 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 151 हुई। प्रभावित इलाकों में अभी भी फंसे हुए हैं लोग। मंगलवार की सुबह मध्य बोहोल द्वीप में आए जबरदस्त भूकंप से पुलों, इमारतों और मकानों आदि को व्यापक नुकसान। जिनेवा में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर 2 दिन चली वार्ता संपन्न। अमेरिका और ईरान ने बेहतर नतीजों की जताई उम्मीदें, अगले महीने फिर बातचीत करने का किया फैसला। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर दर्ज की धमाकेदार जीत। 360 रनों के जीत के लक्ष्य को 44वें ओवर में पूरा कर बनाया एक दिवसीय मैच के सर्वाधिक रनों का पीछा करने का दूसरा रिकॉर्ड। 7 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर। टीम इंडिया की बड़ी जीत के हीरो रहे विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन। धवन ने 95 रन बनाए जबकि कोहली 100 रन और रोहित शर्मा 141 रन बनाकर रहे नाबाद।